नमस्कार दोस्तों, देखिए ब्रेकिंग न्यूज यही है कि बहुत जल्द आप सबको खेसारी भैया का गाना सुनने को मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा, आइए समझाने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। बने रहे लास्ट तक, बाकी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आज से कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था, एक नहीं दो तीन वीडियो बनाया था कि खेसारी भैया का कुछ भी अपडेट आता है तो वो 25 तारीख के बाद ही आएगा, और एग्जैक्टली ऐसे ही होने जा रहा है। खेसारी भैया निकल चुके हैं मुंबई के लिए राजकुमार सिंह से मिलने के लिए। अखिलेश कश्यप जी ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, आप लोग फोटो देख सकते हो, और आज खेसारी भैया लाइव भी आए थे और लाइव में कुछ हिंट दे रहे थे वो कि मैं इससे टेंशन नहीं लेता हूं क्योंकि जो होने वाला का होगा, ठीक है। तो खेसारी भैया जा रहे हैं दिल्ली बम्बई राजकुमार सिंह से मिलने के लिए, शायद मुझे ऐसा लगता है, और हो सकता है कल या परसों मीटिंग हो। और ये बात आप लोग समझ जाइए कि बात को कल व परसों तक में फाइनल कर लिया जाएगा कि करना क्या है, हमको सुप्रीम कोर्ट जाना है कि बैठ के बातें को सुलझाई जाएगी। और अगर राजकुमार सिंह के पास इतना दिमाग होगा कि अगर बैठ के बातें हो जाती है तो उस आदमी को फायदा ही फायदा है, अगर कहीं वो चू चपड़ गया तो उसको पता है कि मुझे कितना बड़ा घाटा लग सकता है, क्योंकि खेसारी भैया अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो दोनों तरफ से घाटा है, दोनों तरफ से पैसा खर्च हो गए, वकील का पैसा दे, उन्हें पैसा दे, उन्हें पैसा दे, उससे ज्यादा ये है, उससे बेटर ये होगा कि आप दोनों लोग बैठ के बातें कर लीजिए। और फोटो भी निकल के आ रहा, आप लोग देख सकते हो खेसारी भैया के साथ में विकास सिंह बिरप्पन हो गए, पवन पांडे जी हो गए, खेसारी भैया हो गए, और सबसे बड़े हमारे विवेक भैया हैं जिनको हम लोग बोल रहे थे गलत है, ऐसा है, वैसा है, कहाँ है, तो वो भी साथ में है, वो भी जाएंगे मिलने के लिए। तो सब लोग साथ में शायद मुझे लग रहा है कि मुंबई जा रहे हैं राजकुमार सिंह से मिलने के लिए, और कल या परसों में मीटिंग होगी। और जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है कि जो भी अपडेट आएगा वो 25 तारीख के बाद में आएगा, क्योंकि मैंने टीम से कंफर्म किया था, ऐसे हवा में तो कोई बात नहीं बोला हूं, और मैंने फिर टीम को मैसेज किया है कि क्या कैसे होने वाला है हमको थोड़ा डिटेल में बताइए, क्योंकि हम लोग अब इंतजार नहीं कर सकते हैं। और खेसारी भैया लाइव आके बता रहे थे कि मैं टेंशन ज्यादा लूंगा नहीं, जो होने वाला होगा वो होगा, वो एग्जैक्टली होता भी ऐसे है, आप कितना भी टेंशन ले लो, जो होने वाला रहेगा वो होगा, तो बस थोड़ा सा धीरज रखिए, सब कुछ सही हो जाएगा। और जो लोग ये बोल रहे थे, ये ताना बोली सुना रहे थे खेसारी लाल यादव बर्बाद हो जाएंगे, एक डायलॉग हमने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था कि तू लोग बर्बाद करवा खेसारी लाल यादव के सपना देख रहे हो, निकल, मतलब ऐसे करके मैंने डाला था, ठीक है। और एग्जैक्टली वही है, खेसारी लाल यादव को बर्बाद कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि जिसके पास जनता है ना उसकी दुनिया सुनता है। राजकुमार सिंह के इतना औकात नहीं है कि खेसारी लाल यादव से बराबरी कर ले, हो सकता है उनके पास में पैसा हो, लेकिन जिसके पास जनता है वो बहुत पैसा कमा सकता है, ठीक है। तो आप लोग भूलिए मत, और खेसारी लाल यादव को बर्बाद करने की छोड़ दीजिए, एक्टर लोग से कोई पंगा नहीं लेता आज के जमाने में, पॉलिटिशियन, एक्टर और क्रिकेटर, ये तीन ऐसे बंदे हैं कि भाई कहीं भी छा जाते हैं, ठीक है, तो पंगा नहीं लिया जाता है। बाकी आप सबको बहुत जल्द खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, मुझे जहां तक लगता है ये फोटो देखने के बाद, और मुझे लग रहा है कि बात को सट आउट कर लिया जाएगा, क्योंकि सबका घाटा, अगर ऐसा नहीं करते तो सबका घाटा है, ठीक है। बाकी आप सबका क्या मानना है कमेंट करके बताओ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नमस्कार।